This movie is encoded by Toonworld for all.me. सब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त डांस नहीं कर सकता। चाहे स्कूल या फिर घर, हमेशा डांट मुझे ही पड़ती है। बहुत हो गया, डोरेमोन, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बोला मुझे रोकोगे नहीं? नहीं, नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी वापस आ जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार मैंने पक्का प्लान बनाया है डोरेमोन। पक्का प्लान बनाया है? हाँ, मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जीऊंगा बिना किसी की मदद के। ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर अकेले जीने के लिए एक इंसान को चाहिए क्या होता है? थोड़ा खाना, कपड़े और घर, बस तीन चीजें। क्या कहा? तुम ऐसी बातें भी करते हो नोबिता। मैंने सही कहा ना? तो फिर इन सारी चीजों के लिए गैजेट दो ना। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो डोरेमोन। प्लीज तो ठीक है डोरेमोन, अब मैं अपनी आजादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहा हूँ। पहले कदम में ही गलती कर दी नोबिता ने। मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, पर वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। घर छोड़ना मतलब घर से दूर जाना। अब बस मुझे एक रहने की जगह ढूंढनी होगी। जैसा कि मैंने सोचा था, बात बताओ, क्या तुमने आज तक कोई भी काम खुद पूरा किया है? मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम कितने दिन टिक पाओगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। क्या तुम सब लोगों को आजादी का मजा लेने का मन नहीं करता दोस्तों? देखना तुम जल्दी घर वापस आ जाओगे। डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो। ऐसा कहोगे? अपना ख्याल रखना। चलो अच्छे से कोशिश करना। बाय बाय नोबिता। तुम खेलने नहीं आओगे क्या? वो तो मुझे कमजोर समझ रहे हैं। ठीक है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर मत तोड़िए। तुम तो मेरी जगह पर मुझसे पूछे बिना घर कैसे बना सकते हो? बोलो। क्या कहा, आपकी जगह? मुझे लगा था ये तो किसी की जगह नहीं। ये मेरी जगह है, समझ गए? मुझे नहीं पता था। प्यारी शिज़ुका, मैंने यहाँ पहाड़ों के पीछे एक अच्छी जगह पर रहने का सोचा है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है।
आसपास बस हरियाली ही है, मुझे मिलने जरूर आना। तुम्हारे पहाड़ों पे रहने वाला दोस्त नोबिता। हाँ ये ठीक रहेगा। ये एक प्राइवेट जगह है, यहाँ बिना पूछे आप कोई घर नहीं बना सकते। नोबिता तुम यहाँ कैसे, कोई नई जगह नहीं देखी क्या? अपना नया पता तो बताते जाओ नोबिता। कहीं तुम इतनी जल्दी घर तो वापस नहीं जा रहे? कोई नई जगह देखी कि नहीं? बताना हम कब मिलने आए तुमसे। डोरेमोन। हेलो नोबिता, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। सुनो डोरेमोन, प्लीज मुझे एनीवेयर टूर देना, प्लीज प्लीज। ये क्या बात हुई, तुमने तो कहा था तुम बिना किसी की मदद के सब करोगे। बस एक आखिरी बार, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बस आखिरी बार, समझे? मैं वादा करता हूँ। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? पता नहीं, जब मुझे पता चलेगा तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करते रहो, मुझे पता है ये जल्दी वापस आ जाएगा। ये ठीक रहेगा, ऐसा लग रहा है इस गांव में कोई भी नहीं रहता, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मॉम, प्लीज। इतना काम कोई नहीं करता, घर की सफाई करना, दुकान का ख्याल रखना, मैं अब तंग आ गया हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। जियान, मुझसे इस तरह बात करने से पहले काम कर लिया करो, समझ गए तुम? अगर ऐसा है तो मैं घर से जा रहा हूँ। जो करना है करो। जियान, मैं अब कभी घर वापस नहीं जाने वाला हूँ। मैं अब नोबिता को ढूंढता हूँ। जियान सुनो। अरे सुनियो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तुमने नोबिता को देखा है? सुनियो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और तुमने भी वही बात पूछी। मम्मा चाहती है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन लूँ, वो चाहती है कि सुबह से रात तक मैं बस पढ़ता रहूँ, मैं घर पे नहीं रह सकता। तुम भी घर से भाग गए? हाँ, मैं सोच रहा था कि नोबिता की तरह मैं भी डोरेमोन की किसी गैजेट की मदद लूँ। अच्छा, अरे नोबिता कहाँ है? अरे शिजुका, क्या तुम भी अपना घर छोड़ आई? नहीं, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ, पर मैं अभी पियानो प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना चाहती। डोरेमोन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। खोल रहा हूँ, क्या हुआ नोबिता? आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। जिस गांव में रहने का मैं सोच रहा था, वहाँ सब डैम की वजह से डूब गया है। क्या दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जिसका कोई मालिक ना हो? नहीं, ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है, थोड़ी जमीन प्राइवेट है और थोड़ी गवर्नमेंट की है। तुम हार मान लो, तुम घर से भाग ही नहीं सकते हो। नहीं, मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। हाँ सही कहा, मैं सच में बहुत जिद्दी हूँ। बाय। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। नोबिता, कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर, देख के चलना। ठीक है। अरे जरा सुनो तो नोबिता। कोई बात नहीं, मैं हर बात के लिए डोरेमोन की मदद नहीं ले सकता, अब मुझे अकेले रहना होगा, मुझे उसके गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं है। हे नोबिता। नोबिता रुक जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अभी घर से भाग रहे हो? अच्छा ये बताओ कि क्या डोरेमोन ने तुम्हें ढेर सारे गैजेट्स भी दिए हैं, है ना? क्या तुम घर से भागने में हमारी मदद कर पाओगे नोबिता? दरअसल वो बात ये है। क्या कहा, तुम हमें मना कर रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये चूहे नहीं हैं, ये हैमस्टर हैं। देखो डोरेमोन, ये कितने प्यारे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ कहीं गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इनका ख्याल रखने के लिए कहा है। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए। बेटे बस एक हफ्ते की ही तो बात है, तुम इस तरह परेशान मत हो। जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देता मैं उसे कभी माफ नहीं करता। मैं भी माफ नहीं करता।
अरे डोरेमोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी आ जाओगे। हम लोग आखिर कहाँ रह सकते हैं? ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे नहीं पता था कि पूरे जापान का कोई ना कोई मालिक है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। वैसे ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हजारों लाखों साल पहले जब ये धरती बनी थी तब इस जगह पर कोई भी मालिक नहीं था, क्यों, है ना दोस्तों? और उसके बाद इंसान यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे जमीन पर अपने हिसाब से कब्जा कर लिया। इंसान क्या बाद में आए थे? अरे हाँ, ठीक है, तो हम उस समय में चलते हैं जब लोग धरती पर नहीं आए थे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम पुराने वक्त में चले जाएंगे तो जगह की दिक्कत होगी ही नहीं। अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे तो पूरी जगह हमारी होगी। क्या कहा, हमारी होगी? ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, अभी चलो, टाइम मशीन की मदद से चलेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी इंसान न हो। क्या, मैं अंदर आ गया? मैं आ गया। अरे डोरेमोन, तुम्हें क्या हो गया? सुनो, अंदर चूहे तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने सुना है नोबिता कि 30,000 साल पहले आदमी यहाँ पर आए थे, तो क्यों ना हम 30,000 साल पहले के वक्त में चले, क्यों दोस्तों? ठीक है, तो हम 30,001 साल में चलते हैं। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है कि उससे पहले भी कोई इंसान हो। ठीक है, 30,002। तो क्यों ना हम 60,000 साल पहले चले, 30,000 से दुगना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम वक्त को 10,000 साल और बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुनो, हमें 70,000 साल पहले के वक्त में ले चलो। 70,000 साल पहले, ठीक है, चलते हैं। ये हम आखिरकार पहुँच ही गए। अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। कितनी ताजी हवा चल रही है ना यहाँ। यहाँ तो पूरी हरियाली ही हरियाली है। चलो हम इसे और सुंदर बना देते हैं दोस्तों। हाँ, ये ठीक है। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ओह हाँ, ये तो 70,000 साल पहले का वक्त है। इस समय में हवा बहुत साफ हुआ करती थी, प्रदूषण भी नहीं था, इसलिए बहुत ठंड हुआ करती थी। ये क्या होता है सुनियो? बर्फ की परत पूरी धरती पर फैल जाती है और बहुत ठंड हो जाती है। मुझे इतनी ठंड में रहने का शौक नहीं है। फिक्र मत करो, बाद में हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की दुनिया चाहिए। तुम सबको जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक आरामदायक होटल, एक कॉमिक लाइब्रेरी और गेम सेंटर बनाना चाहता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। और मैं खोलूंगा एक बड़ा सा होटल जो होगा बिल्कुल फ्री। ये तो वही पुरानी चीज है। सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना झील के आसपास हम बहुत सारे फूल लगा दें। अगर दिन में यहाँ एक इंद्रधनुष हो और रात में चमकदार तारे, क्यों ऐसा हो सकता है डोरेमोन? हाँ बिल्कुल, उड़ने वाला घोड़ा, जलपरी, यूनिकॉर्न हो तो अच्छा लगेगा, है ना? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुनियो, सच बताऊं तो मुझे ताकतवर और रोमांच भरी दुनिया में ज्यादा मजा आता है। हाँ, रोमांच भरी दुनिया की तो बात ही कुछ और है जियान। चलो मैं तो शिजिका के साथ जाऊंगा। किसी का मन फूल लगाने से भला कैसे भर जाएगा? उड़ने वाले घोड़े और जलपरियों का क्या काम है यहाँ? मुझे तो लगता है कि हम लोगों को कुछ जी यार, हिप्पोपोटमस है। सही कहा, हिप्पोपोटमस अच्छा रहेगा। अरे बचाओ, अरे सुनिए, अरे बचाओ हमें, कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें, ये क्या हो रहा है?
ये तो कमाल की चीज है। भारी नहीं। क्या ये सच में पत्थर है? मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो कुछ और ही। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये भाला एक शॉक स्टिक है जिसके झटके से एक हाथी भी बेहोश हो सकता है, और ये है एयर कंडीशन सूट, इसकी मदद से तुम अपने आसपास का तापमान बदल सकते हो। तो सब लोग अब अपने कपड़े बदल लो। ये कपड़े गर्म और आरामदायक है। पता है जियान, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक है, आज से हम सब मिलकर यहीं पर रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपना घर चुन लेना चाहिए। घर? ठीक है, तो अब ये वाली जगह मेरी हुई। तुम बहुत बुरे हो। इस तरह तो हम नहीं कर सकते। तुम रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? यहाँ से चले जाओ। ये लोग तो बहुत मतलबी है, क्या करूँ, यहाँ पर इतनी सारी खाली जगह है, लेकिन तुम तीनों को तो बस एक दूसरे से लड़ना ही होता है। हमें माफ कर दो। वो जगह काफी अच्छी लग रही है, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ पर हमें काफी धूप भी मिलेगी। अरे ये तो काफी अच्छा है। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें किसी जानवर का खतरा नहीं है, यहाँ पर हम एक बड़ी सी गुफा बनाकर रह सकते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मजेदार होगा। पर हम इस पत्थर को कैसे खोद सकते हैं? उसके लिए मेरे पास है इजी शॉवल। इसकी मदद से हम पहाड़ को ऐसे खोद सकते हैं जैसे हम चम्मच से जेली खाते हैं। अरे वाह, तो मैं ये करूँगा। रुक जाओ, रुक जाओ, ये मुझे दो। ये भी शुरू हो गए दोस्तों, हमें बहुत काम करना है, बस करो। ये मेरा काम है, किसी को कोई परेशानी है? ठीक है जियान, तो तुम हमारे कंस्ट्रक्शन मंत्री बनो। मुझ पर भरोसा रखना। ये वाला गार्डन बॉटल, इसमें से छोटे छोटे बीज गैस के साथ निकलते हैं और फूलों का गार्डन बनता है। लाओ मुझे भी करने दो ना। ठीक है, शिज़ुका बनेगी हमारी पर्यावरण मंत्री। ठीक है, और अब क्या मैं यहाँ का मंत्री बन सकता हूँ? और क्या क्या चीजें बची हैं? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के मामले में अपना ख्याल रखना। कुछ बीज है, जब इसका कोई भी बीज बोया जाता है तब वो डिश पूरे साल में कभी भी खाई जा सकती है। मतलब नोबिता तो ये काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम कोई पेड़ लगाते हो तो वो सूख जाता है नोबिता। तो ठीक है, सुनियो बनेगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मंत्री। ठीक है, तो मेरा क्या होगा? तुम क्यों ना सफाई का ख्याल रखो नोबिता। सुनियो, आखिर नोबिता क्या कर सकता है? ये सही रहेगा, एनिमल जीन्स एंड फ्यूल और क्लोनिंग एग्स। ये दुनिया कितनी बड़ी है लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहने के लिए तुम पेट्स बनाओ। क्या पेट? बस थोड़ा सा ये एम्प्योर लिक्विड इस एग पर डालना है, ये काम बहुत आसान है नोबिता, तुम कर सकते हो। तो फिर मैं कौन सा मंत्री हुआ? तुम हुए यहाँ के पेट मिनिस्टर। पेट मिनिस्टर, ये तो अजीब है। अच्छे से करना। मैं समझ गया। हाँ, नदी का ये किनारा इन अंडों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ? डोरेमोन ने मुझे क्या कहा था? हाँ, इस एम्प्योर को क्लोनिंग एग में डालना है। ये तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे काम क्यों मिलते हैं? हाँ? तो ठीक है। मैं ये काम इतने अच्छे से करूँगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। नोबिता? हाँ? डोरेमोन भी नहीं है, ये कहाँ चले गए? मुझे सामान लाने के लिए भेजना था। हाँ? मौसम भी कितना खराब हो रहा है।
डोरेमोन एक बात बताओ, हम लोग खरगोश नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हरे पत्ते क्यों उग रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बाद में समझ आएगा, इसे हम डिनर के वक्त इस्तेमाल करेंगे, कब देखना। रेडियो कंट्रोल सन, क्या इससे पक्का नूडल्स उगेंगे? मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माफ करना मुझे, मैंने खुदाई का काम पूरा कर लिया है, क्या तुमने किचन और टॉयलेट के बारे में सोचा है? हमें ये लगाना होगा, एक्सटेंशन वाटर पाइप। इसे धरती में लगाते ही ये अंदर फैल जाता है और धरती के नीचे का पानी बाहर आ जाता है। ये है एक्सपेंशन गैस पाइप, जिसे नेचुरल गैस जोड़ी जा सकती है, और ये है एक्सपेंशन ड्रेन पाइप। ठीक है, मैं इन्हें लगा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मुझ पर भरोसा रखना। अब चलकर देखता हूँ हमारे पेट मंत्री नोबिता क्या कर रहे हैं। लगता है ये अंडे से निकलने के लिए तैयार है। तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैंने तुम्हें घोड़े और हंस के एम्प्यूल्स को मिलाकर बनाया है, तुम कितने प्यारे हो। अरे दूसरे अंडे भी हिल रहे हैं। तुम चील और शेर के एम्प्यूल से बने हो, तुम भी बहुत प्यारे हो। तुम ड्रैगन और मगरमच्छ के मेल से बने हो, तुम में हिरन और छिपकली के भी थोड़े गुण भी मिले हैं। नोबिता, अरे नहीं, डोरेमोन आ रहा है, हमें छुपना होगा, जल्दी से कहीं छुप जाओ। तो बताओ तुमने क्या क्या बनाया? डॉगी, बिल्ली, दरअसल मैं सो गया था। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बनाया, जल्दी से बनाओ ना, जब वो बन जाएंगे तो उन्हें ये खिला देना। सबसे ताकतवर पेट फूड गुरुमैन, अगर तुम उन्हें ये खिलाओगे तो वो बहुत ताकतवर बन जाएंगे। मैं अच्छे से समझ गया। चलो अब हमारे डिनर का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ। ये लो, अच्छे से खाना, ठीक है, और जल्दी बड़े हो जाना। तुम्हारे नाम है पेगा, डोरेको और गुरी, ठीक है? देखो, हमारे पुलाव तैयार है। ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। भला इस सबसे कुछ टेस्टी कैसे बन सकता है, मुझे सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। शिजुका, जल्दी करो, आ जा। बस मैं भी अभी आ ही रही हूँ। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वाह जी, आओ अंदर से भी देखो, ये सच में बहुत अच्छा है। तुमने ये सब अकेले ही कर लिया जियान? देखो, टॉयलेट यहाँ है और किचन यहाँ पर। वाह, ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है। नहीं आ रहा है क्या? काम भी बहुत स्लो है। डोरेमोन, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तैयार हो चुका है जियान। खाने में तो सिर्फ सब्जी है ना? क्या कहा? मुझे कुछ अच्छा खाना है। और मैं नूडल्स ही खाना चाहती थी। भला हम सब ये कैसे खा सकते हैं डोरेमोन? मैं अभी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ये बीच में से खुल जाता है और इसके अंदर है ये देखो ताजे डोरों के। हाँ, अरे वाह, इसके अंदर तो टेस्टी करी है। अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, इसमें तो नूडल्स ही है, चलो सब खाते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है, मजाक है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। ये नोबिता आखिर क्या कर रहा है? फिक्र मत करो, जैसे ही खुशबू आएगी अपने आप आ जाएगा। वो देखो आ गया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने तो बहुत देर कर दी। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। ये मूली तो बहुत ही टेस्टी है। इसे ऐसे नहीं खोलकर खाना था नोबिता। चलो अब एक और। जियान, तुम सब खा गए, इतना सब तुम कैसे खा सकते हो? मेरा मजाक मत उड़ाओ, सुनियो। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? ये इंद्रधनुष तो बहुत सुंदर है, मुझे
तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम सब एक बार फिर से घर चले जाएं? तुम हमेशा ही ज्यादा खाते हो। अगर हम अभी घर वापस चलें तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, समझे दोस्तों? हाँ सही कह रहे हो, क्या तो हम कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आखिर यहाँ आया क्यों था, मुझे याद नहीं है। मैं भी ना। वैसे आज का दिन बहुत मजेदार था, है ना? हम कल फिर वापस आएंगे। अच्छा आइडिया है। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? यहीं आसपास। अच्छा बाय आंटी। बाय बाय आंटी। अच्छा सुनिए आंटी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर मिलेंगे। तुम्हारा शुक्रिया सुनियो, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मुझे अभी याद आया, वो चूहे जैसे दिखने वाला जानवर कहाँ पर है? हाँ हाँ वो बंधा है। अच्छी बात है। ठीक है तो कल फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय। कुछ भी मत बताना। अरे हमें पता है, पिता को कुछ समझ नहीं आता। हाँ सही कहा। अगर हम पूरी तरह से घर से भाग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और डांट भी पड़ेगी, इसलिए हम रोज 3 घंटा जाएंगे ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। अच्छा तो हम रोज रोज भागेंगे। लेकिन फिर इसे घर से भागना तो नहीं कहा जा सकता। इतना मत सोचो, ये हमारा सीक्रेट है और तुम ये किसी को नहीं बताओगे। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई आ रहा है। हे हे, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ ना। वो दरअसल हम लोग तो जियान के गाने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा जियान? सुनिए तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। जियान के गाने के बारे में सुनकर तो कोई भी भाग जाए। मैं वापस आ गया। तुम्हारा स्वागत है। नोबिता आज तुम्हें गार्डन की सफाई करनी है ना? मैंने कर दी है मॉम। तो अपना कमरा साफ करो। मैंने कर दिया है। चलो चलो जल्दी से होमवर्क कर लो ताकि हम जा सके। हाँ हाँ करता हूँ। आंसर चाहे कुछ भी हो, होमवर्क खत्म होना चाहिए, जल्दी से कर लेता हूँ। नोबिता पूरा फ्रिज खाली है, सच सच बताओ सारा सामान गया कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं पता, डोरेमोन तुम बताओ। हम दोनों मिलकर भी इतना सारा खाना नहीं खा सकते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो, तो फिर इतना सारा सामान गया कहाँ होगा? मुझे तो लगता है ये जरूर किसी चोर का काम है मॉम। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, दरवाजा तो बंद है और कोई चोर सिर्फ खाना चुराए, ये थोड़ा अजीब है। लगता है कि उस चोर को बहुत भूख लगी होगी। चलो वो सब छोड़ो, अब जाओ जाके सामान खरीद लाओ। अब क्या कर सकते हैं, हमें जल्दी वापस आना होगा। नोबिता। अरे वो लोग तो अभी अभी बाहर गए हैं, थोड़ा सामान चाहिए था, मैंने उन्हें लाने के लिए बाहर भेजा है। हा? कोई बात नहीं, जियान अंदर चलते हैं। क्या हम अंदर चले जाएं? बस जल्द से जल्द ये लोग वापस आ जाएं ताकि हम लोग काम कर पाए। नोबिता तो हमेशा धीरे ही काम करता है, कहाँ होगा? अरे ये आवाज कैसी है, कोई है क्या यहाँ? लगता है यहाँ कोई चूहा है। चलो छोड़ो भी, अब हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा, जल्दी से बदल लेते हैं कपड़े। अरे कहाँ गए मेरे कपड़े?
जी आन सुनो, मुझे लगता है अंदर कोई है, देखें क्या। क्या कहा तुमने? रुको मैं देखता हूँ अलमारी के अंदर कौन है, बताओ। चिल्लाए क्यों, हमें डराओ मत। तुम्हें पहले नहीं देखा क्या, तुम नोबिता के कजिन हो? मुझे तो लगता है ये किसी और देश से आया है। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, बताओ मुझे मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे हाथ उठाया, रुक जाओ मैं तुम्हें समझ सिखाता हूँ, रुक जाओ। ये कौन है? क्या कौन है, तुमने कहा था ये हमारा सीक्रेट है, फिर भी इसे सब बता दिया। मैं तो इस लड़के को जानता भी नहीं। नोबिता तुम ऊपर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? नोबिता ये है कौन और कहाँ से आया है? मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो फिर इसके पास ऐसे कपड़े और ये हथियार कहाँ से आया, बताओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बच्चा एक असली आदि मानव है। अगर ये आदिवासी है तो हमारे देश में हमारे वक्त में क्या कर रहा था? हाँ ये है तो थोड़ा अजीब, मैंने तो सोचा था नोबिता ने इसे बुलाया है। नहीं मैंने नहीं बुलाया, शायद ये इस वजह से हुआ होगा। इस वजह से? सबसे पहले जब हम इस वक्त में आए थे तब स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी, उसकी वजह से टाइम फ्लो में एक छेद बन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने इस बच्चे को टाइम फ्लो के अंदर खींच लिया होगा। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो हम अपनी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। लेकिन ऐसा सच में हो सकता है, पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिरी बार ऐसा दिसंबर 1937 में चाइना में हुआ था, जब एक साथ 3000 सिपाही अचानक गायब हो गए थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ तो फिर उन सब सिपाहियों का क्या हुआ था? वो हमेशा के लिए हाइपर स्पेस में भटकते रहेंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो वो वहाँ से बच के निकल सकते हैं। इसका मतलब पक्का ये बच्चा बहुत ही पुराने वक्त से यहाँ आया है। सो डरो ना। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि 70,000 साल पहले भी हमारी दुनिया में इंसान थे। वैसे हमें इसके बारे में अब भी नहीं पता। मैं ये चेक करूंगा कि ये बच्चा किस वक्त से आया है। शिज़ुका तुम इसका ख्याल रखना प्लीज, ठीक है? तुम तीनों जाकर ये देखो कि क्या इस जगह के आसपास कोई और इंसान रहता है या नहीं। तीनों क्यों, हम दोनों ही काफी हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अगर अब वो यहाँ पर खो गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी, क्यों, है ना? किसके खोने की बात कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। ये लोग बिल्कुल नहीं सुधर सकते। उन्हें छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ? क्या तुम्हें टाइम मशीन के बाहर से ही सब पता चल जाएगा? हाँ, मैं पता लगाऊंगा कि वो बच्चा कब और कहाँ से आया था। अब इस ऑब्जर्वेशन बॉल को अंदर डालना है। ये स्पेस टाइम के अंदर पहले लगेगी और स्पेस टाइम के अंदर वाइब्रेशन ढूंढेगी। ओह, बस यही होगा। अब हमें इसे ट्रेस करना है। पता चल गया। आखिर वो कहाँ से है? क्या तुम्हें पता चला? समझ आ गया, चुप हो जाओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि पेट्स कहाँ है, हमारे पेट मंत्री? अरे हाँ, किस तरफ था? हाँ, यही वो जगह है। अरे वो लोग कहाँ चले गए? पेगा, डोरेको, गुरी, तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ। पेगा, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये बताओ डोरेको और गुरी कहाँ है? गुरी, डोरेको। अरे वाह, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। कमाल की बात है, तुम्हें मैं याद भी हूँ।
अरे कितने सारे पंछी हैं, पूरा झुंड है। हमारे वक्त में तो ये सब चीजें देखने को मिलती ही नहीं है, है ना? सही कहा, कितनी बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर हमें कोई नहीं मिलेगा। अच्छा तो फिर वो बच्चा आया कहाँ से? ये जापान का नहीं लग रहा। एक मिनट, ट्रांसलेशन टूल। बढ़िया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ बताओ दोस्त। क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ आएगी? हाँ। मेरा नाम कुकरू है और मैं रोशनी के कबीले के ताजीकारा का बेटा हूँ। मैं मछली पकड़कर अपने गांव वापस गया, अचानक ही मैं आसमान में रोशनी में खो गया। मैंने कहा था ना, स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई थी। किसी और गांव वाले के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, मुझे लगता है जब मैं नदी किनारे गया था तब अंधकार के कबीले वालों ने उन पर हमला किया और उन्हें कैद कर लिया। अंधकार का कबीला? हम लोगों पर कई बार इस तरीके के हमले हो चुके हैं। हम हमेशा डरे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने गांव बसाते हैं। पर चाहे हम लोग कितना भी दूर चले जाएं, वो हमें हमेशा ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे गांवों पर भी हमला हुआ है। जिन लोगों पर हमला होता है वो लोग उनके साथ क्या करते हैं? पता नहीं, पर सुना है कि उन्हें उत्तर की तरफ ले जाया जाता है, फिर क्या होता है पता नहीं।
तो तुम सब कुछ करते क्यों नहीं हो? एक साथ मिलकर उन्हें हरा दो ना। जी हाँ, उनको हराना इतना आसान नहीं। अच्छा, तो क्यों ना एक साथ उन पर हमला किया जाए? हम उन पर हमला नहीं कर सकते, उनका सरदार बहुत ही ताकतवर है। ये तूफानों और बिजलियों को काबू कर सकता है और वो आत्माओं का राजा है और उसका नाम है आखिर वो क्या चीज है? मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं। मैं समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जादूगर है। क्या तुम्हें यकीन है? वो आखिर कौन होते हैं? बहुत पुराने वक्त की बात करें तो लोग मानते थे कि दुनिया में हर जगह एक अजीब सी शक्ति का वास होता है और अगर वो शक्ति गुस्सा हो जाए तो मुसीबतें जैसे भूकंप, तूफान, जंगल में आग लगना और खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में वो जादूगर ही उस शक्ति को शांत कर पाता था और लोगों को बचा लेता था, इसलिए सब उससे डरते थे। ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। फिक्र मत करो तुम, इन बनावटी बातों से बिल्कुल मत डरो। सही कहा, हमने ये साइंस में पढ़ा था। ये सब बनावटी बातें ही हैं। कोई भी गीगा ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या तुम इस तरह हार मानकर बैठ जाओगे? ये बताओ, क्या तुम अपने मम्मा पापा और गाँव वालों की मदद करना चाहते हो? सही कहा, मुझे मदद करनी ही होगी। ठीक है दोस्त, तो फिर हम पर भरोसा रखो। हमें इस तरह के रोमांच भरे और खतरनाक काम करने का बहुत शौक है। ठीक है, हम सब मिलकर रोशनी के कबीले की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बात तय हो गई। हाँ, कल हम सब चाइना के लिए रवाना होंगे, ठीक है? हाँ। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। अगर गीगा ज़ॉम्बी यहाँ आ गया तो क्या होगा? वो यहाँ नहीं आएगा, ये जगह चाइना से बहुत दूर है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है, तो फिर मैं सोने चलता हूँ। गीगा ज़ॉम्बी क्या है? मम्मा, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम सब लोग तो बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये सब अंधकार के कबीले के लोग हैं, उनसे लड़कर कोई सलामत नहीं लौट पाता और मैं अपनी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। अपने सिर पर पहन कर देखो। इससे क्या होगा, ये क्या है? बस एक बार इसे पहन कर तो देखो। हा? इस तरह इसके ऊपर जो बटन है उसे दबाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम डर क्यों रहे हो? मैंने अपनी ताकत से हवा को हमारी उड़ने में मदद करने को कहा है और कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे सामने है डोरा ज़ॉम्बी, जो कि बहुत ही महान योद्धा है, क्यों है ना जियान? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा सुनियो ने, और ये तुम्हारी मदद करने को तैयार है। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया,
चलो अब हम चलते हैं। रुको, पहले कुछ खाना पड़ेगा। अरे नोबिता कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बहुत अच्छे, मेरे साथ चलते रहो। वाह, ये नोबिता कितना दिखावा करता है ना? आखिर हम कर क्या सकते हैं, नोबिता ने ही तो इन पेट्स को बनाया है। चाइना लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, इतनी स्पीड से तो हम आज शाम तक ही वहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। सुनो डोरेमोन, मुझे एक बात की फिक्र हो रही है। क्या बात है बताओ? हमारे रास्ते में एक समुद्र भी पड़ता है, मैं सोच रहा था कहीं पैगा और उसके दोस्त थक गए तो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चलने से पहले मैंने कुछ सैटेलाइट फोटोज ले ली थी, अभी दिखाता हूँ। अरे ये जगह तो इस जगह से जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? अभी आइस एज चल रही है, इस वजह से समंदर जम गया है, इसलिए समंदर का तल ऊपर आ गया है और पानी वाली जगह कम हो गई है। तुम्हें कुछ समझ में आया नोबिता? अरे हाँ, इसका मतलब हम आराम के लिए कहीं भी रुक सकते हैं। अब तो तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बहुत अच्छे, पैगा और तेज चलो। ये ठीक नहीं है। दूर दूर तक यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई झाड़ियाँ, इसका मतलब यहाँ पहले समंदर था और अब ये चाइना और जापान को जोड़ रहा है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कुकुरु का गांव यहाँ से सीधा जाने पर आ जाएगा, लेकिन पहले चलो हम कुछ खा लेते हैं दोस्तों। चलो कुछ खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। सुनो डोरेमोन, इसके अंदर क्या है जरा बताओ? इसमें कोल्डिंग है। टेस्टी है। चियान, तुम एक बार में पूरा खा गए? बहुत अच्छे। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, मैं बहुत सारे लाया हूँ। मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? अच्छा तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कल जो खाया, पर क्या उसका स्वाद मुझे याद है, वो ज्यादा अच्छा था। ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम्हें सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मैं समझ गया। अरे तुम्हें क्या समझ आ गया? हमारे पूर्वजों ने शीत युग यहाँ पर गुजारा था और उसके बाद चाइना से जापान की तरफ आए थे वो। तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना है कि वो सब कोरिया, साइबेरिया और साउथ आइलैंड की तरफ से भी आए थे, इसमें कई हजारों साल लग गए थे। हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया। ये मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी। मुझे ऐसे अपने परदादा मत बनाओ। सही कह रहे हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं दोस्तों। रिसर्च की मानी जाए तो किसी ना किसी तरह से दुनिया का हर एक इंसान दूसरे का रिश्तेदार लगता है। इसके हिसाब से तो फिर मैं और आइंस्टाइन रिश्तेदार हुए ना? तुम भी ना नोबिता। सूरज ढलने वाला है, अब शायद हम पहुंचने ही वाले होंगे। कुकुरु, क्या तुम्हें कोई जगह जानी पहचानी लग रही है? हाँ, वही पर, ये वही नदी है जहाँ पर मैं मछली पकड़ने के लिए आया था। सब लोग नीचे चलो। ठीक है। लगता है वो सबको उत्तर की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है, आज रात हम यहीं रुकते हैं, कल सूरज उगने के बाद हम फिर से उनका पीछा करेंगे। ठीक है दोस्तों।
चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, कल का दिन बहुत मेहनत वाला है। दोस्तों आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, तुम नोबिता के परदादा हो। वापस लेने आएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चले। मैंने कहा हमारा यही इंतजार करो। डोरेमोन वो लोग लगभग कितना आगे निकल गए होंगे? उन पर 4 दिन पहले हमला हुआ था, इसका मतलब वो 4 दिन से चल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं होंगे। शायद उन्होंने ये पहाड़ पार कर लिया होगा, हमें भी बहुत संभल कर इसे पार करना होगा। ठीक है। ये अंधकार के कबीले का भाला है, लगता है उन्होंने यहाँ आकर शिकार किया था। डोरेमोन, देखो यहाँ पर किसी ने आग जलाई। वो जरूर रात को यहीं पर ठहरे होंगे, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ना है, चलो चलो जल्दी। चलो ये जंगल तो बहुत घना है, अगर हमने उन्हें बीच में खो दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी दोस्तों हम उन तक पहुंच चुके हैं। तुम लोगों को जल्दी चलो। क्या हुआ, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? हम थक गए हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है। सुची दामा, आप क्या चाहते हो हम क्या करें? जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें खत्म कर दो। हमारे पास वक्त कम है और हमें बहुत दूर जाना है, तो कोई ईमानों का किला अभी बहुत दूर है। खत्म कर दो इन्हें। कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब ये कौन है? तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं हूँ एक महान जादूगर। अब तुम उन सबको छोड़ दो
हमने उन्हें डराकर भगा दिया। वो तो डरपोक थे। तुम इस ड्रेस में काफी अच्छा लग रहे हो डोरेमोन। सच में मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। ये कैसी आवाज थी? लगता है इसके अंदर कोई है। इतना छोटा कौन होगा? हेलो, कौन हो तुम, बताओ। डोरेमोन, इसके अंदर सच में कोई है। ये सारे के सारे कितने कमजोर हैं। देखो वो खिलौना तो बोल रहा है। मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं हूँ तो सीधा माँ और मैं जीजा ज़ॉम्बी का वफादार हूँ। ये सब आखिर तुम क्या कह रहे हो? शॉक में ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मिट्टी का पुतला है। क्या तुम्हें अभी तक मेरी ताकत नहीं समझ में आई है? हे डोरेमोन, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अभी एक मिनट रुको। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ मिट्टी के पुतले। तुम बहुत ही अकड़ू हो बिल्ली राक्षस। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, खिलौनी मेंटल। ये लो। ये तो बहुत डरावना था। पर हैरानी की बात यह है कि वो हिल और बोल कैसे रहा था। मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार सब ठीक हो गया। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आती है। आप जानते हैं ये सब इन लोगों की वजह से हो पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ऐसा मत कहो डोरेमोन, वो तुम्हें बहुत कुछ मानते हैं। डोरेमोन सुनो, क्यों ना हम इन सबको अपने साथ जापान ले चले, बताओ। ये सही रहेगा, सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, सब लोग सुनिए, क्या आप सब हमारे साथ हमारे देश चलना चाहेंगे? वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्या, एनीवेयर डोर? सुनो डोरेमोन, कहीं भी जाने से पहले हमें पेग और उसके दोस्तों को ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, हम आपके गांव वापस जा रहे हैं। देखिए, डरने की बात नहीं। हाँ चलिए। डोरेमोन। चलो। अब हमें इस जगह के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डोरा ज़ॉम्बी हमारी मदद करने आए हैं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। चलो अब सब वापस आ जाओ जल्दी से। अगर वापस नहीं आए तो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। चिड़िया थी।
मुझे लगता है कि वो बहुत ही दूर चले गए। शायद हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारा पीछा किया हो। डोरेमोन, हमने उन्हें अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया। वो कहीं खो गए होंगे। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों आपस में खुश हों। ऐसा है तो फिर हम लोग वापस चलते हैं। नहीं, मैं उन्हें ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन कबीले को जल्दी से सुरक्षित पहुँचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बात समझने की कोशिश करो नोबिता। ये जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। क्या हम लोग सच में इस शांत जगह पर रह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर यहाँ अपना गांव बसाते हैं। है? उसे ठीक से पकड़ो। ये बहुत भारी है जियान। नोबिता कितना आलसी है ना। हाँ वाकई। कर रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं। तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएंगे। बहुत वक्त पहले की बात है, मेरे पास एक भेड़िये का बच्चा था और उसका नाम रो था। पता है वो बहुत ही प्यारा था और मिलनसार भी। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ? हमारे गांव के लोग दक्षिण की तरफ जा रहे थे। जानते हो उस दिन हमारे आसपास कोई शिकारी भी नहीं था, इसीलिए मैं रो को साथ ले गया था। सूरज उगता था, फिर ढलता था और दिन गुजर जाता था। हम लोगों को एक बहुत लंबा सफर तय करना था। हमें रास्ते में एक हिरन का झुंड मिला और हम सब ने एक साथ हिरनों का पीछा किया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बस पहाड़ से नीचे कूद गए। बड़ी गड़बड़ हो गई थी। कहाँ हो तुम? रो रो रो। वो किसी हिरन से टकरा गया था और पहाड़ से नीचे गिर गया। हाँ? फिर हम अपने गांव वापस आ गए थे और एक महीना भी गुजर गया था और एक दिन वो वापस आ गया। रो! उसे चोट लगी थी और वो कीचड़ में सना हुआ था और मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया था और अपनी पूंछ भी हिला रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जानवरों के अंदर एक खूबी होती है और वो अपने घर वापस लौट ही आते हैं। चलो इस बात से नोबिता तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया है। स्वर्ग और धरती की सभी अच्छी आत्माएं हमारे नए गांव को शांति का वरदान दे। हमारे साथियों को आशीर्वाद दे। तो चलो खाना खाते हैं। Thank you.
शायद इसे बेक करके बनाया है। ये इस गांव का हमारा पहला शिकार है, इसे बेक करके बनाया है। चलो जल्दी खाते हैं। चलो खाते हैं। शिज़का थोड़ा तुम भी खा लो ना। मैं ये नहीं खाना चाहती। सादे फल भी हैं। ये बढ़िया है, ये मैं ले लेती हूँ। इस गांव में तो हम सभी के लिए बहुत सारा खाना है। ये खुशी की बात है कि आप सब यहाँ आ गए हैं। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, मैं गाना गाता हूँ। क्यों भाइयों, सभी लोग तैयार है ना? दौरा ज़ोंबी हमको यहाँ, तुम यहाँ क्यों हो, तुम भी जाओ। भारत के इस देश में हम चले आए। जी हाँ, सूरज का ये देश है बड़ा ही खुशहाल। इसके जंगल है बड़े घने और हरे। इसकी नदियों में कई मछलियाँ तैरे। मिलती हर खुशी हमें है। तो क्यों ना अब मैं एक गाना गाऊं? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी आवाज सुन के हो जाते हैं मदहोश। ये तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये सब कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है ना? देखो क्या खूबसूरत नजारा है। सही में आज सब लोग कितना खुश हैं। ओहो मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया। मैं तो ये भूल ही नहीं पाऊंगा। और मैंने तो कोई कॉमिक बुक भी नहीं पढ़ी है कब से। मुझे तो अपना होमवर्क भी करना है। हाँ, और मॉम भी गुस्सा हो रही होंगी। तो क्या हम सब घर वापस चले? हाँ ऐसा ही करते हैं। जब भी मन करेगा हम यहाँ वापस आ सकते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर पेगा और उसके साथी वापस आते हैं तो उन्हें तुम ये खिला देना। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। डोरा ज़ोंबी जी, अब आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। अगर गीगा ज़ोंबी फिर से यहाँ आ गया तो? फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके बाय। अलविदा दोस्तों। तुम अपना ख्याल रखना। कोयामी का किला बनाने के लिए मेरे पास फिलहाल कम लोग हैं। तुमने इतनी मुश्किलों से लोगों को कैद किया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए चीज़ा ज़ोंबी, उनकी तरफ से अचानक एक बहुत ही ताकतवर मददगार आ गया है। वो कोई आत्माओं का सुल्तान है, डोरा ज़ोंबी। आत्माओं का सुल्तान? डोरा ज़ोंबी? हाँ, वो थोड़ा सा अजीब है और देखता भी एक बिल्ली जैसा है। चुप हो जाओ। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे हराने की ताकत रखता हो। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और सबक सिखाऊंगा। नोबिता, मुझे एक ही बात तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ेगी? तुम हमेशा ही सोते रहते हो, बस सोते ही रहते हो। और ज्ञान और सुनियो, तुम भी, तुम तीनों क्लास से बाहर हो जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। सत्तर हजार साल का सफर करने की वजह से तुम थक गए हो? मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। इस दुनिया के हिसाब से खुद को वापस ढालना काफी मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। किसकी? गीगा ज़ोंबी का क्या होगा?
उसकी इतनी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है नोबिता। वो सिर्फ एक आदिवासी है, ठीक है, और उसके पास ना तो एनीवेयर डोर है और ना ही बैम्बू कॉप्टर। हाँ सही कहा, हमें कल वहाँ वापस जाना चाहिए। हाँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय। डोरेमोन तुम ये क्या कर रहे हो, कुछ जरूरी है क्या? ये चीज तो ये तो उस मूर्ति का हाथ है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था इसलिए मैं ये टुकड़ा उठा कर ले आया था। ये नहीं हो। ये तुम क्या कर रहे हो, इसके तो टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को देखते जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। इसके पीछे राज ये है कि इसे सिर्फ शेप मेमोरी सेरेमिक से बनाया हुआ था। इसका मतलब वो लोग अभी भी खतरे में हैं। मैं अभी सबको बता कर आया। सब तो गायब ही हो गए। ये गीगा ज़ॉम्बी ने किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। वो लेकिन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? जैसा कि मैंने सोचा था तुम वापस आ गए। मैं हूँ आत्माओं का राजा गीगा ज़ॉम्बी। गीगा ज़ॉम्बी, मैंने अपने लिए कुछ नए गुलाम कैद किए हैं। अगर उनकी मदद करना चाहो तो कोकोयामी के किले पर आ जाना, और याद रखना कि तुम वापस नहीं जा पाओगे। रुको तुम जरा। वो गायब हो गया। ये तो बस एक छलावा था। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? जी हाँ, अब हमें टोकोयामी के किले पर जाना है। अरे ये जगह तो ये तो वही जगह है जहाँ हम कल भी आए थे। तो हमें कौन सी जगह जाना है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन किसी भी हालत में हमें उन सबको ढूंढना ही होगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसकी मदद से उनकी दिशा पता करते हैं, फिर हम बैम्बू कॉप्टर की मदद से आगे जाएंगे। पर डोरेमोन ये तो हम हमेशा से ही करते हैं। डोरेमोन, डोरेमोन हमारे ये कपड़े यहाँ के लिए सही नहीं है। हमने ये कपड़े पहने हुए हैं इसलिए यहाँ पर रह पा रहे हैं। यहाँ का तापमान -50 डिग्री है। अगर ये कपड़े ना होते तो हम एक मिनट में जम जाते। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। बिना बैम्बू कॉप्टर के हम क्या करेंगे? एक मिनट रुक जाओ। मिसिंग पर्सन स्टिक। मुझे लगता है वो उस पहाड़ के पीछे है। क्लियर मोटर कार गेम। क्या इस वक्त तुम्हें ट्रेन गेम खेलने का मन है? तुम बस मेरे साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करो। चलो अब जल्दी भी करो डोरेमोन। ये तो रस्सी है। इस लीनियर मोटर कार गेम की मदद से हम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, समझे? 300 किलोमीटर प्रति घंटे। तो तुम सब तैयार हो? चलो हम चलते हैं।
सुनियो, क्या तुम ठीक हो? सुनियो। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो सब छोड़ो नोबिता, तुम तो ठीक हो ना? ठीक है। बहुत अच्छे नोबिता। नोबिता? अरे नोबिता यहाँ नहीं है। नोबिता, नोबिता, नोबिता कहाँ हो? नोबिता, नोबिता, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो नहीं बचेगा। नोबिता नहीं बचेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी डोरेमोन। ये बॉटल मेडिकल न्यूट्रिशन ड्रिंक लेकर जाएगी, नोबिता को ढूंढेगी और इससे वो ठीक हो जाएगा। फिर ये झट से नोबिता को हमारे पास वापस ले आएगी। लेकिन ये नोबिता तक पहुँचेगा कैसे? उसके लिए इसे बस नोबिता की कोई चीज सुंघानी होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे नोबिता की खुशबू आती हो? नहीं, शांत हो जाओ, बस करो, रुक जाओ। कुछ तो होगा ना? ये नहीं, हाँ, ये रहा। मैं इसे यही सुंघाता हूँ। अब जाओ, अपनी पूरी कोशिश करना। बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पीछे थोड़ा गर्म लगता है। डोरेमोन, क्या बात है? क्या यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसका मतलब ये तो जैसा कि मैंने सोचा ही था, वो आ गए हैं। वो खुद को डोरा ज़ॉम्बी कहता है, आत्माओं का सुल्तान। मैं वकूफ नहीं था। मजा तो तब आएगा जब मैं उन सब की हालत खराब कर दूंगा। डोरेमोन के गैजेट किसी भी काम के नहीं है। मैंने जो सूप छोड़ा था, काश मैं वो खा लेता। नोबिता, मामा, तुम्हें पीना नहीं था ना, तो मैंने पी लिया। अरे बाप, रुक जाइए, मैं उसे पी लेता हूँ। नोबिता, अब कोई जरूरत नहीं, रहने दो। मैं पी लूंगा। नोबिता, ये कितना गर्म है ना? डैड अभी यहाँ पर आ गए। हाँ, आज मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है, तो मैं ये हीटर लेकर आया था। क्या तुम भी यहाँ कर बैठना चाहते हो? इससे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं मिल रही, लगता है ये खराब हो गया है। बहुत मुश्किल से लेकर आया था इसे। डैड, माफ कर दीजिए, इसे लेके मत जाइए। डैड, रुक जाइए। मॉम, वापस आ जाइए। कभी कभी वो पहले पीरियड में ही सोता रहता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पूरे दिन ही सोता रहता है। अरे सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वकील साहब, क्या आप इसके बदले कुछ बोलना चाहेंगे? वकील साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तुम्हारी नींद के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं फैसला सुना रहा हूँ, नोबिता को सोने के जुर्म में सजा दी जाएगी। मैं नहीं।
रखो और तुम बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये क्या लगता है मैं सपना देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक।